कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन जयपुर दौरे पर है, जहां कठपुतली नगर स्थित महंगाई राहत कैंप पहुंची है, वो पहुंचने वाली है, जहां अमृता धवन महंगाई राहत कैंप का जायजा भी लेंगे। स्थानीय कांग्रेस नेता भी साथ में मौजूद है और फिलहाल जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं महंगाई राहत कैंप की, ये सीधी तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं बैठी है और साथ ही साथ में अब कुछ ही देर के अंदर अमृता धवन भी वहां पर पहुंच जाएगी, जहां पर महिलाओं से बात करती हुई अमृता धवन दिखाई देंगी और साथ ही साथ महंगाई राहत कैंप को लेकर के जानकारी भी ले जाएगी। क्योंकि जिस तरह से देखिए बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं वहां पर मौजूद है, छोटे बच्चे भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में अमृता धवन जानकारी देते हुए भी नजर आएंगी और साथ ही साथ महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछेंगी। क्योंकि जिस तरह से बैक टू बैक घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, योजनाएं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लाई जा रही है या फिर कहें राजस्थान सरकार के द्वारा लाई जा रही है, उसका सीधा फायदा इन महिलाओं को मिले, इस पर फोकस अमृता धवन का रहने वाला है। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन जयपुर दौरे पर है, कठपुतली नगर स्थित महंगाई राहत कैंप में पहुंच चुकी है और देखिए जो किस तरह से अमृता धवन महंगाई राहत कैंप का जायजा ले रही हैं और इससे पहले जो आपको तस्वीरें दिखाई थी बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं वहां पर मौजूद थी, ऐसे में महिलाओं से ही बातचीत करती हुई अमृता धवन नजर आ रही हैं और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में तो पूछा जा ही रहा है और साथ ही साथ जो राजस्थान सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पहली तस्वीरें हैं लाइव जहां पर अमृता धवन महंगाई राहत कैंप में मौजूद है, वहीं दूसरी तस्वीर वो है जब अमृता धवन जैसे ही वहां पर पहुंची थी तो देखिए किस तरह से उनका एक स्वागत सत्कार किया गया था। क्योंकि इंतज़ार उन महिलाओं के द्वारा बेसब्री से किया जा रहा था कि अमृता धवन कब आएंगी और क्योंकि कुछ समस्याएँ भी उन महिलाओं की थी तो वो उन समस्याओं से कब अमृता धवन को अवगत करवा पाएंगी और कब उनका समाधान हो पाएगा। हालांकि देखिए जिस मिशन और विजन से ये महंगाई राहत कैंप लगाए गए थे वो दोनों ही साकार होते अब इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि रिस्पांस जिस तरह का देखने को मिल रहा है ऐसे में कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता हर एक कार्यकर्ता इसी मैदान में जुटा हुआ है कि कैसे भी करके इस महंगाई राहत कैंप को सफल बनाया जाए और वो तस्वीर देखी भी जा सकती है क्योंकि प्रदेश के मुखिया जिस तरह से लगातार खुद दौरे कर रहे हैं और फोकस है महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण, जो योजनाएं चलाई जा रही है वो जन जन तक पहुंचे, वही तस्वीरें देखिए जयपुर से भी देखी जा सकती है। अमृता धवन महंगाई राहत कैंप में पहुंची है, बड़ी तादाद में महिलाएं वहां पर मौजूद है, पुरुष वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत भी करेंगे और फीडबैक लिया जाएगा कि उनको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, किसी तरह की परेशानी का सामना तो उनको नहीं करना पड़ रहा। और वहीं देखिए तस्वीरें जब अमृता धवन वहां पर पहुंची थी, एक स्वागत उनका किया गया और उसके बाद में सीधे अमृता धवन गई और महिलाओं से बातचीत करना शुरू कर दिया। वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उनसे उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया क्योंकि देखिए फोकस इसी चीज पर कि आम जन को जनता को बड़े ही आराम से उन योजनाओं का फायदा मिल सके और इसी उम्मीद के अंदर जगह जगह पर ये महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। जयपुर के उसी महंगाई राहत कैंप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमृता धवन जहां पर पहुंची है और सुबह से ही लोगों की भीड़ वहां पर देखी जा सकती थी क्योंकि उम्मीद थी उनकी कि जब अमृता धवन यहां पर पहुंचेंगी तो समस्या जो होगी उनसे अवगत उनको करवाया जाएगा और साथ ही साथ में जो योजना है उसके बारे में विस्तार जानकारी मिलेगी। जो ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से मदद कर रहा है और जो लोग हैं वो किन किन योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं, तो वो एक समन्वय जो है कैंपों के जरिए बैठाने की जो कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। जिस प्रकार से बिजली की दरें के यूनिट के बाद जो गैस सिलेंडर की बात की जाती है वो भी सीएम साहब तक पहुँचने की जाए क्या करें? देखिए सर, ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, जो बिजली पे छूट है और 100 यूनिट तो पूरी तरह से छूट है और 200 यूनिट पे भी जो है फिक्स चार्जेस जो हैं वो भी उन्होंने अब ख़त्म कर दिए हैं। मैं मानती हूँ राजस्थान की राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे और भी जो लोग हैं जो 100 यूनिट की वजह से बाहर के जो लोग थे जो छूट रहे थे अब वो भी इसके अंदर आ गए
तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इससे जुड़ सके, मुख्यमंत्री जी की यही कोशिश है। और भी बाकी योजनाएं हैं जिन पर जो हमें फीडबैक मिल रहा है हम उनको देंगे, और पार्टी के और भी अन्य लोग दे रहे हैं, और इसी फीडबैक पे उन्होंने ये 200 यूनिट वाली योजना को भी लागू किया था भाजपा के नेता।